अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमजा हनी वर्ल्ड। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक सब्सक्राइब बटन फॉर योर यूट्यूब वीडियोस। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपनी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने सब्सक्राइब बटन किस तरह से बनाना है और उसको किस तरह से अपनी वीडियोस के ऊपर अप्लाई करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये सारी वीडियो आप देखकर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा आपने किस तरह से अपने लिए सब्सक्राइब बटन बनाना है। वीडियो का कोई भी स्टेप आप मिस करेंगे तो बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं होने वाला। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, मोबाइल की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे और ये कायम मास्टर ऐप ये आपने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कायम स्टार ऐप ओपन करते ही आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने 16:9 रेशो को सिलेक्ट करने के बाद आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। इस इंटरफेस पर आने के बाद आपने मीडिया पर जाना है। मेरे पास ऑलरेडी क्रोमा का सब्सक्राइब बटन ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। आपको ये फाइल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सब्सक्राइब बटन रेडी कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्रोमा का सब्सक्राइब बटन है तो इसको हम अपनी इसके ऊपर प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे अपने चैनल की और अपने चैनल का नाम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मीडिया पर जाते हैं। मीडिया पर जाने के बाद मैंने कर ली है। अब यहाँ पे हम इस पिक्चर को क्रॉप करेंगे। क्रॉप किस तरह से करेंगे, क्रॉपिंग पे जाकर मास्क को इनेबल कर देंगे और शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब इसको इस लाइन के ऊपर जो वाइट कलर की बार है इसके ऊपर आपने एडजस्ट करना है। तो वो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इसको साइज़ छोटा कर लेंगे। साइज़ छोटा करने के बाद ये इसके ऊपर एग्जैक्टली आ चुका है। तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर मैच कर रहा है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से इसको वीडियो को चलाते हैं। तो वीडियो को चलाने के साथ आपको पता चल रहा है ये वाइट कलर की जो बार है ये नीचे जा रही है और ऊपर आ रही है। तो इस तरह से बिल्कुल हमने इसके ऊपर एनिमेशंस ऐड करनी है। एनिमेशंस ऐड करने के लिए पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इन एनिमेशंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले स्लाइड अप आ रही है तो स्लाइड अप पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ये देख सकते हैं ये स्लाइड अप हो रहा है। सेम इस तरह से इसको दोबारा से वीडियो को ऑन करेंगे तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसके साथ ये अप हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास थर्ड नंबर पर ऑप्शन है आउट एनिमेशन, यानी जब स्लाइड नीचे जाएगी तो उसके साथ आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी नीचे जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आउट एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके स्लाइड डाउन पर क्लिक कर देंगे। स्लाइड डाउन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से पिक्चर लग चुकी है हमारी, बिल्कुल एग्जैक्टली सब्सक्राइब बटन के ऊपर हमारी पिक्चर लग चुकी है। तो ये बिल्कुल इस तरह से लगी है कि आपका जो सब्सक्राइब बटन है उसके साथ प्रोफाइल पिक्चर ऊपर भी आ रही है और जब ये डाउन जाता है तो डाउन भी जा रही है। अब यहाँ पे आपने अपने चैनल का नाम ऐड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर जाने के बाद आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखेंगे। जैसे मैं अपने एक चैनल का नाम लिख लेता हूँ हमज़ा हनी वर्ल्ड। तो ये मेरे चैनल का नाम है। यहाँ पर मैं जाके ओके कर दूँगा। अब ये मेरे पास एक चैनल का नाम, मैंने इसको ऐड करना है। अब जैसे आप देख सकते हैं वाइट कलर की ये बार है जिसके ऊपर आपने चैनल का नाम ऐड करना है। तो ये चैनल का जो नाम है ये भी वाइट कलर में है, इसका कलर हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने कलर पर जाना है। कलर पर जाने के बाद आपने इसके ऊपर डार्क ग्रे कलर ऐड मैं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो ये कलर अब मैंने चूज़ कर लिया है, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप इसके अंदर फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स किस तरह से चेंज करेंगे, ये आपके पास फ़ॉन्ट्स का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, मैं यहाँ पे रोबोटो बोल्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें एग्जैक्टली
इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सब्सक्राइब बटन रेडी हो चुका है। अब जैसे जो चीज़ें हमने अपने उसके साथ की थी प्रोफाइल पिक्चर के साथ, स्लाइड आगे नीचे जा रही ऊपर जा रही, उस इसी तरह से टेक्स्ट के साथ भी करनी है। टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले चले जाना है इन के अंदर, इन एनिमेशन के अंदर। उसके बाद आपने स्लाइड अप पर क्लिक करना है। अब दोबारा से वीडियो ऑन करके देखते हैं तो जिस तरह से आपकी प्रोफाइल पिक्चर जा रही है इसी तरह से आपकी नाम भी ऊपर आ रहा है अब, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है। इस तरह से आपने लेयर पर आपने दोबारा से टेक्स्ट को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने आउट एनिमेशन पर क्लिक करना है। आउट एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो आपने स्लाइड डाउन पर क्लिक कर लेना है। स्लाइड डाउन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से वीडियो को ऑन करके देखते हैं तो ये एग्जैक्टली एक आपके पास प्रोफेशनल किस्म का सब्सक्राइब बटन रेडी होकर आपके सामने आ चुका है। अब इस प्रोफेशनल किस्म के सब्सक्राइब बटन को आपने किस तरह से सेव करना है, सेव करने के लिए आपके पास राइट साइड पर अप साइड पर एक बटन आपके पास शो हो रहा है, इसके आपके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक बिल्कुल एग्जैक्टली रेजोल्यूशन नज़र आ रही है, फ्रेम रेट नज़र आ रहा है, तो रेजोल्यूशन आपके पास जो भी मैक्सिमम नज़र आ रही होगी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेम रेट को आपने 30 सेलेक्ट कर लेना है और सेव एज वीडियो कर लेना है तो ये वीडियो आपके पास सेव हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वाला जो सब्सक्राइब बटन है आपने अपनी वीडियो के ऊपर किस तरह से ऐड करना है। मीडिया पर जाएंगे, यहाँ पे मैं अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही वीडियो ऑन होगी, अब जहाँ पे भी आपने सब्सक्राइब माय चैनल का वर्ड बोला है वहाँ पे आपने इसको ऐड कर लेना है। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मैंने ये सब्सक्राइब माय के बारे में आपको जानने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर अब मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैंने ये चैनल का नाम जहाँ पे बोला है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वहाँ पे आपने इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ऐड मैं कर रहा हूँ, लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद आपने जहाँ पे सेव किया है वहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है तो ये क्रोमा फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। इसको आपने ड्रैग कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपके पास क्रोमा की के नाम से ऑप्शन आ रही होगी, इसको आपने इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपके पास एग्जैक्टली आपके वीडियो के ऊपर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी वीडियो के ऊपर ये ऐड हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आप इसी वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपके लिए सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो जाके आपके पास सेव हो जाएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।